नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि करंट के छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको तैयार कराने का एक प्रयास कर रहा हूं और सभी जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर रहा हूं और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसलिए दे रहा हूं कि आपको दबाव भी ना आए और सुनते सुनते चीजें आपको तैयार भी हो जाए। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के सामने सूचकांक के एक वीडियो के साथ उपस्थित हूं। हम लोग 5 से 7 मिनट में पूरे महत्वपूर्ण जितने भी सूचकांक हैं उनके बारे में जानेंगे, उनको देखेंगे, याद करेंगे और फिर निश्चित आप देखते हैं कि किसी भी परीक्षा में हम लोग देखें कि यहां से 1 या 2 प्रश्न आपको मिलते हैं। तो आइए तुरंत शुरुआत करते हैं विभिन्न रिपोर्ट एवं सूचकांकों की। देखिए क्या क्या आपसे पूछा जाता है यहां पर, उस हिसाब से हम लोगों ने इसको सेट किया है। सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है, सम्मिलित देश कितने हैं। कभी कभी ये जानकारी हमारे पास होती है, कभी कभी नहीं होती है। शीर्ष स्थान किसका है, भारत का स्थान कौन सा है और जारीकर्ता संस्था या संगठन कौन सा है, यही चारों जानकारी हमसे पूछी जाती है, जिसमें भी सम्मिलित देशों की कुल संख्या हमसे बहुत ना के बराबर पूछी जाती है। अगर हम विगत वर्षों के पेपर देखें तो बहुत एकाद किसी प्रश्न में हमसे पूछ लिया गया हो कि सम्मिलित देश कितने हैं। प्रथम स्थान निश्चित रूप से पूछा जाता है, कहीं कहीं अंतिम स्थान भी पूछ लिया जाता है और भारत का स्थान आपसे जरूर पूछा जाता है। तो देखिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 है ना, शीर्ष देश कौन सा है, न्यूजीलैंड। भारत का स्थान है 63वां और जारीकर्ता संस्था आपकी कौन सी है, वर्ल्ड बैंक। इंडेक्स है, रिपोर्ट और सूचकांक का नाम क्या है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। आइसलैंड शीर्ष पर है, भारत का स्थान 112वां है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जापान शीर्ष स्थान पर है, भारत का स्थान 5वां है। जर्मन बाच द्वारा इसको जारी किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 40वां है। आइए आगे बढ़ते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020, यहां पे भी जापान पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 84वां है। अंतरराष्ट्रीय हवाई परिसंघ द्वारा इसको जारी किया जाता है, संस्था का नाम है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2020, स्वीडन यहां पर पहला है। अब दो सूचकांक यहां पे एक जैसे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो आपका है जलवायु जोखिम सूचकांक, यहां पर जापान, ये जोखिम सूचकांक है, यहां पर जापान पहले नंबर पर और भारत का स्थान 5वां है। और इसी से एक मिलता जुलता नाम आपका यहां पर है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2020, स्वीडन यहां पर पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 9वां है। जर्मन बाच द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा 2020, स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है, भारत का स्थान 72वां है। आईएनएसईएडी इंसीट द्वारा इसे जारी किया जाता है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, डेनमार्क का स्थान पहला है, भारत का स्थान 76वां है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, नॉर्वे का स्थान पहला है, भारत का स्थान 51वां है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा इसे जारी किया जाता है। किड्स राइट्स इंडेक्स आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लीजिए, आइसलैंड का स्थान 1वां है, भारत का 117वां। किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। जो बहुत छोटी छोटी वैश्विक संस्थाएं होती हैं प्राइवेट, उनसे संबंधित सूचकांक आपसे पूछे नहीं जाते, फिर भी संभावना होती है तो मैंने लिस्ट में डाल दिया है। आइए मैं बताता चलूंगा कि कौन सा आपको नहीं देखना है। आइए सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक, 129 कुल देश शामिल थे, डेनमार्क का पहला स्थान था, भारत का स्थान 95वां था। ब्रिटेन की इक्वल मेजर्स 2030 द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019, 167 कुल देश शामिल थे, नॉर्वे का स्थान पहला था, भारत का स्थान 41वां था। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2019, स्वीडन पहले स्थान पर है, भारत 76वें स्थान है। विश्व आर्थिक मंच का इस सूचकांक है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019, 100 कुल देश शामिल हैं, स्वीडन का पहला स्थान है, भारत का स्थान 47वां है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है। देखिए स्वीडन बहुत सारी जगह आपका पहले स्थान पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रबंधन सूचकांक, कुल देश आपके कितने थे, 56 थे, स्वीडन पहला 11वां, जर्मन बाच इन क्लाइमेट एक्शन यूरोप द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019, कुल देश 141 थे, सिंगापुर पहला, भारत 68वां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है।
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 115 देश थे, स्वीडन का पहला स्थान है, भारत का 76वां स्थान है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, अफगानिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 7वां है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगले सूचकांक की तरफ चलते हैं, यहां पे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019, 156 कुल देश हैं, फिनलैंड का स्थान पहला है, भारत का स्थान 140वां है, फिनलैंड यहां पर पहले स्थान पर है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके अलावा यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण सूचकांक है, वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 कुल 180 देश शामिल, नॉर्वे प्रथम पर, भारत 140वां, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल रिश्वत जोखिम इंडेक्स, वेनेजुएला प्रथम है, भारत का स्थान 78वां है, ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में 129 देश शामिल है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 52वां है, इनसीड द्वारा इसे जारी किया जाता है। क्लियर। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 119, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, 119 देश शामिल थे, भारत का स्थान 80वां है, इनसाइड बिजनेस स्कूल द्वारा इसे जारी किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2019, कुल देश 163 हैं, आइसलैंड का स्थान पहला है, भारत का स्थान 140वां है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। आप इसमें जितने भी आपको ये दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से अध्ययन करें, निश्चित रूप से आपके दो प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे, किसी भी मैगजीन से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने सूचकांक 2020 के आ चुके हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जितने नहीं आए हैं वो 2019 के आपके लिए तब तक महत्वपूर्ण है जब तक कि 2020 के नहीं आ सकते। लगभग 25 से 26 सूचकांक के बारे में हमने बात की, लेकिन जो नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लगाया, लगभग 35 सूचकांक उसमें दिए गए हैं, एक बार आपको रफली सभी सूचकांक को देखना है। छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि मैं इस जानकारी को आप तक पहुंचाऊं। टारगेट बतालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट समर्पित है आपको सर्व करने के लिए, और लगातार संस्था में बहुत सारे बैच संचालित हो रहे हैं, आप सभी लोगों को इसकी जानकारी भी है। मैं कुछ बैचेज के बारे में भी जानकारी दे दूं, पीसीएस के बैच में लगातार प्रवेश प्रक्रिया जारी है, बहुत अच्छा बैच हमारा चल रहा है, प्रारंभ होने को है, 9918000454 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप इंट्री पीसीएस लिखकर पीसीएस के बैच पर एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपको एसटेट में एडमिशन लेना है सुपर टेट में तो 9125423936 पर आप व्हाट्सएप एसटेट इंट्री एसटेट लिखकर एडमिशन ले सकते हैं। ये संस्था द्वारा दी जाने वाली जानकारियां होती हैं जो बहुत जरूरी है आपको प्रदान करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहा है उन पर भी आप जो है फोन करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आज मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।